इतना द गैंगस्टर सीन, यू नो व्हाट आई मीन. जी हाँ, वन एंड ओनली करण औजला का लेटेस्ट सॉन्ग यू नो व्हाट आई मीन रिलीज हो चुका है. और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है कि हाल फिलहाल में उनका एक सॉन्ग अभी जस्ट रिलीज हुआ है और इससे पहले कोई और आपको जानकारी देता हमने आपको जानकारी ये सबसे पहले दे दी है. और जल्दी से जाके वो गाना सुनी, क्योंकि मैंने अभी तीन चार बार वो गाना सुन चुका हूँ. उसकी जो वीडियो है एक नंबर वीडियो है. आपको बता दूँ कि संदीप रिहा ने प्रोड्यूस किया गाना और साथ ही साथ इसमें जो म्यूजिक है प्रूफ का है और साथ ही गाया और कंपोज किया करण औजला ने. और साथ ही साथ उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वन एंड ओनली हिंदी जो मेटाफिर किंग रैप किंग कहा जाता है वो कृष्णा है. और साथ ही साथ मेहरबानी भी है जो फीमेल लीड वोकलिस्ट है. और इसमें बता दें काफी ज्यादा मेस्मराइजिंग गाना है. क्या वर्ड प्ले किया है, क्या इसमें मेटाफर का यूज हुआ है, क्या रैप है, पंजाबी रैप और हिप हॉप जो है इंडियन हिप हॉप उसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. और एक फ्यूजन है दोनों ही लैंग्वेजेस का, हिंदी और पंजाबी का और इंग्लिश का. तो एक ट्रायो जो है काफी ज्यादा मतलब बढ़िया होने वाला है. साथ ही आपको बता दूं कि इतना ज्यादा एक्साइटिंग गाना है, मैं मतलब ऐसा गाना है कि आप रेपिटेशन पे इसको बार बार सुन सकते हो. इसमें चकमा गाना जरा तो सारे पंजाबी लोग समझ गए होने, चकमा जरा गाना है वो काफी देर बाद करण औजला जीता है. आज उन्होंने जन्मदिन भी है, तो अगर जन्मदिन की बात करें तो आज उनको जन्मदिन बधाई. और उन्होंने अपने फैंस को आज के दिन ये गाना गिफ्ट कर दिया. और इस गाने में लास्ट में एक और सस्पेंस भी डाला है कि उनकी एक ईपी आने वाली है, वो भी उन्होंने कमिंग सून लिखा है. और वो उन्होंने ये सरप्राइज पहले भी बता दिया था कि जो लास्ट में जब आप वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपको एक सरप्राइज मिलेगा मेरी तरफ से. तो जल्दी जाइए बिना किसी देरी के, जल्दी से जाके वो वीडियो देखिए और आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताएं. और इधर ये पंजाबी अपडेट्स थी साडा चैनल इंडियन एंटरटेनमेंट इधर ही देखते रहो. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट.